आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। रिश्तों और इंसानियत को कैसे शर्मसार कर सकता है, इसकी जीती जागता सबूत बुंदेलखंड जिले में देखने को मिला। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दलदला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है, जबकि वहीं पर मौजूद आरोपी की पत्नी मोबाइल से वीडियो बना रही थी। इसके बाद जो हुआ बहुत ही खौफनाक और घातक था, या फिर यूं कहें कि किसी की पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़। पत्नी ने अपने पति की इस घिनौनी हरकत को एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कोई शख्स ऐसा कर सकता है कि अपनी बेटी के उम्र की बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत करे? लेकिन इस शख्स ने बिना किसी की परवाह किए इस घटना को अंजाम दिया। शख्स ने नाबालिग के साथ कथित तौर पर रेप की घटना को अंजाम दिया और वहां मौजूद उसकी पत्नी ने मोबाइल से वीडियो बना। पत्नी भी अपने पति की इस हैवानियत में शरीक हो रही थी। उसको जरा भी ख्याल नहीं आया कि जिस मासूम के साथ दोनों पति पत्नी ये हैवानियत कर रहे हैं, वो उसके खुद की बच्ची की उम्र की है। जानकारी के मुताबिक 12 जुलाई को गांव के रहने वाले एक शख्स ने बच्ची को अपने घर बुलाया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा पीड़िता को वीडियो के इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी भी दी गई। धमकी में कहा गया कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद नाबालिग के परिवार वालों को घटना की जानकारी तब हुई जब आरोपी की पत्नी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आज हम आए हुए हैं जिला बदायूं में। कुछ दिनों पहले थाना बैजगंज बेटा में एक दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया था। गांव की सीता देवी पति अर्जुन सिंह ने एक गांव की युवती को अपने घर खाना बनाने के लिए बुलाया था, जिसका सीता देवी ने अपने ही पति से उसका दुष्कर्म कराया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। जब इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को मिली, उच्च अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लिया और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अब देखना यह कि उनकी परिवार को क्या न्याय मिलता है। इसके बाद जो हुआ आप सभी ने देखा। पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने पुलिस के पास जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए दोनों आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित नाबालिग की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। इन आरोपियों के खिलाफ रेप, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।